चलिए अब रुख कर लेते हैं ताबड़तोड़ खबरों का। आगामी विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों पर चर्चा करने के लिए बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की आज अहम बैठक होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय चुनाव समिति की ये बैठक होने वाली है, जबकि चुनाव को लेकर मंगलवार को उत्तर प्रदेश पर कोर कमेटी की ओर से मैराथन बैठकों भी की गई थी। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश के लिए दो और उम्मीदवारों के नाम जारी कर दिए हैं। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में भाजपा नेता शारीरिक और वर्चुअली दोनों तरह से शामिल होंगे। वहीं मंगलवार को पार्टी मुख्यालय में हुई बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और राज्य चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान सहित भाजपा के कई नेता शामिल हुए थे। तीन मंत्रियों के सपा खेमे में जाने से परेशान बीजेपी, अब अखिलेश यादव को बड़ा झटका देने वाली है। मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव बीजेपी में शामिल हो गई है। अपर्णा यादव दिल्ली में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और प्रदेश अध्यक्ष की मौजूदगी में सदस्यता ली है। यूपी का विधानसभा चुनाव एक बार फिर जाति और धर्म पर लड़ने की तैयारियों में पूरी तरह से जुट गया है। इस चुनाव को मंडल या फिर कमंडल की लड़ाई भी कहा जाने लगा है। बीजेपी जहां हिंदुओं के मामलों को उठा रही है, तो वहीं सपा गठबंधन चुनाव को अगाड़ा पिछाड़ा करने की कोशिश में लगा हुआ है। योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे स्वामी प्रसाद मौर्य समेत तीनों मंत्रियों ने भी भाजपा छोड़ते समय दलितों पिछड़ों की अवहेलना का आरोप लगाया था। सूबे की राजनीति में अचानक उठापटक मच गई है और इस बीच राजनीति पार्टियों के कई रंग सामने आए हैं। इस बीच भाजपा के बीच कवि रामधारी सिंह दिनकर की कविताओं के बहाने वार पलटवार शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने ट्विटर हैंडल पर दिनकर की लाइनें ट्वीट करते हुए लिखा कि पाते हैं सम्मान तपोबल से भूतल पर सुर जाति शोर जाति का शोर मचाते कायर क्रूर। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी इस बार यूपी विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। हालांकि उन्होंने अभी ये नहीं ऐलान किया है कि वो कहां से चुनाव लड़ेंगे। अखिलेश यादव अभी आजमगढ़ से सांसद हैं। अखिलेश अगर विधानसभा चुनाव लड़ते हैं तो उन्हें लोकसभा की सदस्यता छोड़नी होगी। बीते दिनों अखिलेश यादव ने कहा था कि पार्टी जहां से कहेगी वो वहां से चुनाव मैदान में उतरने के लिए तैयार है। आपको बता दें कि पिछले दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विधानसभा चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा था कि पार्टी यदि चाहेगी तो वे भी चुनाव लड़ेंगे। लखीमपुर खीरी में हुए तिकुनिया कांड के दूसरे मुकदमे में विवेचना का समय भी 22 जनवरी को पूरा हो रहा है। इस मामले में गिरफ्तार पांच आरोपियों 20 जनवरी तक न्यायिक हिरासत में है, इसलिए एसआईटी 20 जनवरी को मामले में आरोप पत्र भी दाखिल कर सकती है। 3 अक्टूबर 2021 को हुए तिकुनिया कांड में दो मुकदमे दर्ज कराए गए थे। पहला मुकदमा किसानों की तरफ से दर्ज कराया गया था, जबकि दूसरा मुकदमा बीजेपी नेता सुमित जायसवाल ने दर्ज कराया था। चार किसान समेत एक पत्रकार की जान के मामले में एसआईटी ने केंद्रीय मंत्री के बेटे समेत 14 आरोपियों के खिलाफ 3 जनवरी को आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल कर दिया था। यूपी में कोरोना वायरस के केस में मामूली कमी देखने को मिली है। यूपी के अपर मुख्य सचिव अमित मोहन ने बताया कि राज्य में 14,803 नए मामले सामने आए हैं। वहीं बीते 24 घंटे में 20,151 लोगों को डिस्चार्ज किया गया है, तो जिसके बाद कुल मरीज ठीक होकर संख्या 17,44,268 हो गई है। अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि राज्य में फिलहाल 1,01,114 सक्रिय मामले हैं। उन्होंने बताया कि बीते दिन में 12 कोविड संक्रमितों की मौत हो गई है। इनमें से अधिकांश लोगों की जान दूसरी बीमारियों की वजह से गई है। टीकाकरण की जानकारी देते हुए बताया कि 18 साल से अधिक उम्र के लोगों में अब तक 13,93,77,643 लोगों को वैक्सीन की पहली खुराक लगाई जा चुकी है। इनमें से 8,86,50,417 लोगों को दूसरी खुराक मिल चुकी है। बाराबंकी जिले की रामनगर विधानसभा सीट के माधवपुरवा गांव में बीजेपी विधायक शरद कुमार अवस्थी के खिलाफ ग्रामीण ने जोरदार प्रदर्शन किया है और बीजेपी विधायक के खिलाफ पोस्टर चस्पा कर चुनाव में वोट न देने की बात कही है।
ललितपुर के झूले की रस्सी में फंसने से 10 साल की मासूम की जान चली गई, जिसमें परिजनों में कोहराम मचा हुआ है, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बादा के मोटंद थाना क्षेत्र में विधायक जमीन लिखवाने के बाद बकाया 16 लाख रुपए देने की से इनकार कर दिया और इस पैसे मांगने पर विधायक बुजुर्ग के साथ गाली गलौज करता भी दिखाया, जिसके बाद पीड़ित बुजुर्ग पुलिस अधीक्षक की चौखट पर पहुंचकर न्याय की गुहार लगा रहा है। नोएडा के सेक्टर 24 थाना इलाके में चेकिंग के दौरान एक गाड़ी में 99,30,000 रुपए बरामद किए गए हैं, जिसके बाद नोएडा पुलिस गाड़ी चालक को पैसे के साथ साथ थाने ले जाकर पूछताछ कर रही है। रायबरेली के शहर कोतवाली क्षेत्र में बीच सड़क पर महिला सिपाही आपस में भिड़ी है, जिसका वीडियो वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई। बांदा में सपा नेता अनंत त्रिपाठी की दबंगई सामने आई है, जहां दबंग खदान संचालक बंदूक की नोक पर जबरन ट्रक निकाल रहा है, वहीं महिला के विरोध करने पर महिला के ऊपर ट्रक चढ़वाकर जान से मारने का प्रयास भी किया है। फरुखाबाद के शहर कोतवाली क्षेत्र में स्थित माया हॉस्पिटल में निजी नर्सिंग होम में मरीज की जान जाने के बाद बवाल देखने को मिला है, जहां जमकर मारपीट भी देखने को मिली है। वहीं परिजनों ने मृतका को जबरन कई घंटों तक वेंटिलेटर पर रखने का आरोप भी लगाया गया है। बरेली की सिरोली थाना पुलिस ने एक युवक को हिरासत में लिया है, जिसके पास अवैध तमंचा, एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। वहीं पुलिस ने पकड़े गए बदमाश पर आपराधिक धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उसको जेल भेज दिया है। रायबरेली के ऊंचाहार थाना क्षेत्र में आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर महिला ने सीएचसी संचालक को जमकर पीटा, वहीं मारपीट की पूरी वीडियो वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। फतेहपुर के कल्याणपुर थाना क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया, वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की शिनाख्त में जुटी हुई है। कानपुर के कल्याणपुर थाना क्षेत्र में 8 साल की मासूम के साथ दरिंदों ने दुष्कर्म का मामला सामने आया है। दुष्कर्म के बाद आरोपी मौके से फरार भी हो गए, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। अलीगढ़ के थाना गांधी पार्क क्षेत्र में अलीगढ़ कानपुर नेशनल हाईवे स्थित धनीपुर एयरपोर्ट के पास एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है, जहां प्राइवेट बस और ट्रक के बीच में भिड़ंत हो गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया। फतेहपुर में पॉक्सो कोर्ट में ऐतिहासिक फैसला लिया गया है। कोर्ट ने रेप के बाद हत्या के दोषी को फांसी की सजा सुनाई है। दोषी ने 3 साल की बच्ची से रेप किया है, जिसकी सुनवाई करते हुए कोर्ट ने 90 दिन के भीतर फैसला सुनाया है। जौनपुर के मुफ्तीगंज में चिकन की दुकान के मालिक की तरफ से समय पर मारपीट पहुंचने में चौकी इंचार्ज नाराज हो गए हैं और चौकी पर बुलाकर उसकी धुलाई कर डाली है। वहीं धमकाने की घटना दुकान के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। के चपरासी वीरेंद्र कुमार ने नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों रुपए ठगी करते हुए सचिवालय में नौकरी के नाम पर युवाओं से 20 लाख रुपए लिए, जिसके बाद पीड़ित युवाओं ने आरोपी के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज करवाई। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए कासगंज पुलिस अधीक्षक ने जनपद के सभी थानों में अपराध और अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाया है। इसके लिए चलते थाने साहूर पुलिस ने एसओजी टीम के मुखाबिर सूचना पर गन्ने के खेत में शीशम के पेड़ के नीचे अवैध रूप से संचालित शस्त्र फैक्ट्री का खुलासा किया। प्रतापगढ़ के नगर कोतवाली क्षेत्र में शॉर्ट सर्किट से ट्रांसफार्म में भीषण आग लग गई, वहीं उठती लपटों को देखकर राहगीरों और दुकानदारों में भगदड़ मच गई, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची भारी पुलिस बल और फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हरदोई जिले के बैनीगंज कोतवाल में भारतीय मजदूर किसान संगठन दशहरी के राष्ट्रीय और जिला अध्यक्ष पर FIR दर्ज की गई है, साथ ही 14 अन्य नामजद और 60 से 70 अज्ञात पर महामारी एक्ट समेत अन्य धाराओं पर मुकदमा दर्ज कराया गया है। आपको बता दें कि कोतवाल पर किसानों महिलाओं ने धमकाने और
आपत्तिजनक टिप्पणी करने का भी आरोप लगाया था। लखीमपुर पुलिस पर को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने बिक्री के लिए जा रही 10 किलो चरस पकड़ी और 3 अभियुक्तों को भी गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि बरामद चरस की कीमत करीब 25 लाख रुपए बताई जा रही है। हमीरपुर के सुमेरपुर थाना क्षेत्र में कोविड नियमों सहित आचार संहिता की धज्जियां उड़ाई गई है, जहां धार्मिक कार्यक्रम की आड़ में बार बालाओं का डांस का आयोजन किया गया है। वहीं कार्यक्रम देखने के लिए भारी संख्या में भीड़ मौजूद रही। हरदोई के अलावपुर में सरकारी क्रय केंद्र पर धान के लिए किसान भटक रहे हैं। यहां टोकन जारी होने के बावजूद भी धान नहीं खरीदे जा रहे हैं, जिससे कि किसान को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बरेली के भमरोहा थाना क्षेत्र में जफराबाद की एक महिला ने मौजूद ग्राम प्रधान और पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए एसएसपी रोहित सिंह सांजवान पर प्रार्थना पत्र दिया है, जिसमें महिला ने ग्राम प्रधान पर उसकी जमीन को अवैध कब्जा करने का आरोप लगाया है। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी आज देर रात और कल तक अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर सकती है। आज दिल्ली में केंद्रीय संसदीय बोर्ड की बैठक में उत्तराखंड से भेजे गए नामों पर पैनल का मंथन होगा। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी भाग लेंगे। प्रदेश बीजेपी से प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश महामंत्री संगठन अजय कुमार भी बैठक में शिरकत करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के मुताबिक पार्टी की एक और ग्रुप और चुनाव समिति के विचार विमर्श के बाद प्रदेश में केंद्रीय संगठन को सभी 70 विधानसभा सीटों पर पैनल तैयार करके भेजा जा सके है। उत्तराखंड में मौसम ने एक बार फिर करवट बदल ली है, जिसके बाद ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हुई है। वहीं इससे पहले मंगलवार को दिन भर देहरादून में मौसम साफ बना रहा था, तेज धूप खिली रही थी, जिससे कि ठंड में राहत मिली। मंगलवार को दोपहर बाद चमोली जनपद के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हुई। निचले क्षेत्र में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। बद्रीनाथ धाम, हेमकुंड साहिब, फूलों की घाटी, रुद्रनाथ लाल माटी, गोरस बागवाल और ओली सहित ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हुई है। जोशीमठ, गोपेश्वर मंडल घाटी, उगम घाटी, पोखरी सहित निचले क्षेत्रों में भी बारिश हुई है, जिससे कि कड़ाके की ठंड पड़ रही है। हरिद्वार में तापमान हर रोज उतार चढ़ाव हो रहा है, लेकिन ठंड कम नहीं हो रही है। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी से निष्कासित किए गए पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत फिर से कांग्रेस का हाथ थाम सकते हैं। हरक सिंह रावत के साथ उनकी बहू अनुकृति भी कांग्रेस में ज्वाइन करेगी। रावत ने अपनी बहू के साथ दिल्ली में पार्टी के बड़े नेताओं की मौजूदगी में कांग्रेस का हाथ थाम सकते हैं। वहीं हरक सिंह रावत ने मीडिया से कहा कि मैंने कांग्रेस पार्टी के नेताओं से बात की है, वह मुझे जल्द ही अपना निर्णय बताएंगे, मैं उसी के आधार पर अपना कोई फैसला लूंगा। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि वो हरीश रावत मेरे बड़े भाई जैसे हैं, मैं उनसे 100 बार माफी मांग सकता हूं और मैं उत्तराखंड के विकास चाहता हूं। रुद्रप्रयाग में कोरोना के मामलों में लगातार वृद्धि हो रही है। हर दिन 10 से 15 कोरोना के नए केस सामने आ रहे हैं, जिससे कि लोग एक बार फिर से दहशत बनी हुई है। वहीं कोरोना को लेकर लोगों में जागरूकता की कमी भी दिख रही है। हरिद्वार में कोरोना संक्रमण के लगातार बढ़ते प्रकोप को ब्रेक करने के लिए स्वास्थ्य विभाग हर संभव प्रयास कर रहा है। विभाग ने सीएचसी और पीएचसी के अलावा अब मोबाइल कोरोना टेस्टिंग टीम भी बना दी है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए नैनीताल जिला प्रशासन ने डॉक्टर फॉर यू के नाम एक एनजीओ और एमओयू किया है। जिलाधिकारी नैनीताल के मुताबिक जिले में 99% कोविड मरीज होम आइसोलेशन में है। इन मरीजों की प्रॉपर मॉनिटरिंग और सुपरविजन करने के लिए डॉक्टर फॉर यू एनजीओ की 14 टीम हल्द्वानी शहर के 20 किलोमीटर के दायरे में स्वास्थ्य विभाग के साथ सामंजस्य स्थापित कर कोविड मरीजों पर की प्रॉपर मॉनिटरिंग करेंगे। सितारगंज में यूपी और उत्तराखंड की सरकड़ा चेक पोस्ट पर पुलिस को वाहन चेकिंग के दौरान बड़ी सफलता हाथ लगी है।
पुलिस ने एक वाहन से 7,40,000 की नकदी पकड़ी है। वही वाहन चालक पुलिस को इन पैसों का कोई भी हिसाब नहीं दे पाया है। माना जा रहा है कि इन पैसों का कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव में उपयोग होना था। पुलिस ने बरामद रकम को सीज करते हुए अग्रिम कार्रवाई करने का फैसला लिया है, लेकिन कहीं ना कहीं इतनी बड़ी रकम बरामद होने वाले पर सवालों के घेरे में आ गए हैं। पुलिस इसे बड़ी उपलब्धि के रूप में मान रही है। कोटेदार नगर निगम में चुनाव को लेकर यूपी से सीट सीमा पर बीएसएफ जवानों की तैनाती कर दी गई है। सीमा से सटे चेक पोस्ट कोविड और दिल्ली फॉर्म बॉर्डर पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, जहां दुपहिया और चार पहिया वाहनों की चेकिंग की जा रही है। अपर पुलिस अधीक्षक ने कहा कि चुनाव को देखते हुए बीएसएफ की एक कंपनी पुलिस प्रशासन को मिली हुई है, जिसको उन्होंने लगातार 24 घंटे के लिए चेकिंग पर लगा रखा है। साथ ही दूसरी टीमों को भी रेगुलर चेकिंग पर लगाया हुआ है, जहां प्रतिदिन चेकिंग कर रही है। बीते दिनों हल्द्वानी शहर की दुकानों में हो रही चोरी की घटना को पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने शातिर चोर प्रमोद कुमार उर्फ सिद्धा को गिरफ्तार किया है, जिससे चोरी किए गए 35,000 नकद राशि और कई सामान भी बरामद हुए हैं। एसएसपी ने चोरी की घटना का खुलासा करते हुए बताया कि पकड़े गए चोर विद्या ने मंडी और टीपी नगर क्षेत्र में 8 दुकानों से चोरी की थी। वहीं पकड़े गए शातिर चोर पर पहले भी 28 मुकदमे दर्ज कर और कुछ पहले ही जेल जमानत पर छूटा है। गंगोत्री विधानसभा में भाजपा जोरों शोरों से अपने प्रचार प्रसार में जुटी हुई है। भाजपा आचार संहिता के नियम अनुसार बूथ लेवल तक जांच कर अपना प्रचार प्रसार करती दिख रही है, जबकि अभी तक गंगोत्री विधानसभा से भाजपा की ओर से कोई भी प्रत्याशी घोषित नहीं किया गया है। विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 को निष्पक्ष तरीके से समापन कराए जाने के उद्देश्य से उत्तरकाशी में मतदान कर्मियों के 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत पहले चरण के प्रशिक्षण का शुभारंभ उत्तरकाशी स्थित कलेक्ट्रेट ऑडिटोरियम और पीजी कॉलेज के ऑडिटोरियम में हुआ है। प्रशिक्षण कार्यक्रम की अध्यक्षता में जिला अधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारी मयूर दीक्षित की ओर से की गई है। इस बार चुनाव में 50 प्रत्याशी बूथों की वेब कास्टिंग होगी। विगत निर्वाचन की तुलना में इस बार कुछ अलग गतिविधियां भी शामिल रहेगी। भाजपुर में पुलिस ने एक घर में छापेमारी करते हुए 20 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद की है। वहीं आरोपी मौके से फरार हो गया। पुलिस ने शराब को कब्जे में लेकर आरोपी युवक के खिलाफ केस दर्ज कर दिया है। ललितपुर के तालबेहट क्षेत्र में हाईवे पर बिना हेलमेट तेज रफ्तार बाइक चलने और स्टंट करने पर बाइक सवार 2 लोगों की सीओ मोहम्मद इमरान ने उठक बैठक लगवाई, साथ ही बाइक चालकों को यातायात के नियम के सिखाए हैं।